दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मुख्य कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है, क्योंकि बचपन से ही समाज हमारे मन में तरह तरह के डर बैठा देता है। लेकिन अगर आप चाहें तो फिर से अपने दिमाग को बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं ये जरूर सुनने को मिला होगा कि बड़ा सोचो, थिंक बिग, बड़ा सोचकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि आखिर बड़ा सोचने के लिए अपने दिमाग को तैयार कैसे करना है, कौन सी किताब इसमें काम आ सकती है। बस इसी उलझन को दूर करती है डेविड स्वार्ज द्वारा लिखी गई किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो चलिए बिना समय गवाए इस बुक समरी को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। दोस्तों, खुद पर विश्वास करना सीखे। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो यह सब पा लेंगे। लेकिन खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखे। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। नंबर 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचे कि मैं इसमें सफल रहूँगा, यह ना सोचे कि फेल हो जाऊँगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही यह बोलना शुरू कर दे कि मैं सक्सेस होकर रहूँगा, और ऐसा दृढ़ता से करे और बार बार करते रहे। नंबर 2, अक्सर खुद को याद दिलाते रहे कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर है। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास ना करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज़ सुने, और वह आवाज़ है मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। नंबर 3, बड़े गोल बनाए। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखे। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का CEO बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो कम से कम चांद तक जरूर पहुंच पाएंगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। लेसन नंबर 2, क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूसिटीज। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे जिंदगी में बहाने की आदत। जैसे मुझे इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूसिटीज कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र, ना अच्छा दिन या मूड, यह सब तो बहाने मात्र है। बहाने बनाने की बजाय यह देखे कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरूभाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरूभाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूसिटीज से आज ही निजात पाइए, बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। लेसन नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे पार्ट्स में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें। जैसे किसी लड़की को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से ही स्कूटी पर ना बैठ जाए। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखे, अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाए, फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाए और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करे। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करे, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोले। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करे, आप देखेंगे कि आप कुशल वक्ता बन जाएंगे। लेसन नंबर 4, हाउ टू थिंक बिग। दोस्तों, अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसे के लिए नहीं होता है, मेरी इतनी औकात कहाँ, यह सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दे। बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर यह कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं, मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो कभी आपसे बुरी हालात में थे लेकिन आज बहुत सफल है। नई नई किताबें पढ़े जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। आप इस YouTube चैनल पर भी किताबों की समरी आराम से पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि समरी पढ़ते ही आपकी सोच भी बड़ी हो जाएगी
और आप पहले से मोटिवेटेड फील करेंगे। अपनी जॉब से प्यार करें, कभी भी अपने डेस्क के आगे लोगों की भीड़ लगने ना दें, हर किसी काम को उसी वक्त कर दे, न कि टाल मटोल करे। इससे आप बहुत इफिशियंट हो जाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ही ध्यान रखें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन ना दे। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। लेसन नंबर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उसकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोले, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा क्रिएटर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक यह बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडिया या ड्रीम के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से कहे, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दे दे। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा ना हो कि एक तरफ बोले कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगेंगे कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए, इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा। अपने आप ही डर और एनेक्सिटी के निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखे। लेसन नंबर 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोचने लगेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपका यह विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे, कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में घुसने ना दे। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार हैं, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में ना आने दे, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। लेसन नंबर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट। दोस्तों, आपकी जिंदगी पर आपके आसपास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ ना उठे बैठे, हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह ले, फ्रॉड लोगों से नहीं। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक्स पढ़े और नया ज्ञान हासिल करे। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोले, अफवाहों पर विश्वास ना करे, ना उन्हें फैलाए। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगे, हर चीज में खुद को फर्स्ट क्लास बनाए, थर्ड क्लास लोगों से दूर ही रहे। लेसन नंबर 8, मेक योर एटीट्यूड योर एलाइज। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी है और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं। आइए समझते हैं अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वह सफल होने में आपकी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि कुछ एटीट्यूड ऐसे होते हैं जिसे आप लाइफ में अपनाकर बहुत सफल हो जाएंगे। जैसे नंबर 1, आई एम मेंटली स्ट्रांग एटीट्यूड। दोस्तों, यह लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर ना समझे, हमेशा खुद से बोले, मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एनेक्सिटी और डिप्रेशन नहीं हो सकता। नंबर 2, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं, उन्हें ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा, इससे आप हम्बल भी रहेंगे, यह सब आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। नंबर 3, डू मोर देन अदर्स। दोस्तों, दूसरों से ज़्यादा करें, बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करें, यह भी सफलता का एक राज है। जैसे अगर दूसरे लोग 1 घंटे काम करते हैं तो आप उसके बदले 2 घंटे काम करें। लेसन नंबर 9,
थिंक राइट टुवार्ड्स पीपल, दूसरे लोगों के लिए अच्छा सोचे, बोले और करे, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रिपोर्टेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूटली बात करेंगे तो क्या होगा, वह आदमी 10 लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रिपोर्टेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रेस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, बल्कि फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी न करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उस अकेले आदमी का पक्ष ले और सबको समझाए, न कि उसके साथ मिलकर उस अकेले का मजाक उड़ाने लग पड़े। इससे वह आदमी सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी इग्नोर करे, उन्हें सुधारने का मौका दे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेसन नंबर 10, गेट द एक्शन हैबिट। दोस्तों, बहुत से लोग बिस्तर पर पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लगाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह आदमी करता कुछ नहीं है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज्यादा। अगर कोई बिजनेस लगाना चाहते हैं तो सोचिए मत, या सिर्फ उसके बारे में पढ़ते मत रहिए, या सोचिए कि मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा। आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है, उसमें करोड़ों आइडियाज होते हैं। जब आप कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो आइडिया आपके दिमाग में खुद ही खुद आ जाएगा। इस तरह कोई भी काम हो उसका गोल बनाइए और उसे करने के लिए जुट जाइए। अगर आप बिल भरने को है तो उसी वक्त भर दीजिए, कोई पेंडिंग काम पड़ा है तो अभी करने लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए, बाद में सुधार होता रहेगा और आपका काम परफेक्ट होता जाएगा। लेसन नंबर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। दोस्तों, हर सफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते हैं। दूसरा, यह भी याद रखिए कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाए, लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारे। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी से ही हार गए। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाए। इस तरह फेल्योर से घबराए नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचे। पास्ट में मिले फेल्योर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने कभी डफर या निकम्मा आदि कहा है तो इस बात को दिल पर ना चिपकाए, बल्कि यह मानने से इनकार कर दे और कुछ करके दिखाए। इससे आपके क्रिटिसाइज का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर हुआ था। इसलिए खुद को ही मोटिवेट करें, दूसरों से इसकी उम्मीद न रखें। लेसन नंबर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। दोस्तों, बिना गोल्स के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही पता ना हो। फिर आप पहुंचेंगे कहां? इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल्स एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने या एक साल या 10 साल के लिए भी हो सकता है। जैसे आज का दिन का गोल बनाइए कि आज आपको क्या करना है। हफ्ते का गोल बनाइए, कोई असाइनमेंट तैयार करना हो तो उसका गोल बनाइए। महीने का गोल किसी एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, पोर्न, अल्कोहल आदि से छुटकारा पाना हो, इसका गोल बनाइए। एक साल का गोल नई स्किल जैसे कोडिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्विमिंग या कोई लैंग्वेज सीखने का हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल्स बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा ना हो गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट ही एक्सरसाइज करे, लेकिन रोज करे। उस आदमी की तरह ना करे कि एक दिन तो 3 घंटे एक्सरसाइज कर ली, फिर 6 महीने के लिए गायब हो गए। इसलिए गोल की तरफ बेशक एक ही कदम, लेकिन प्रतिदिन बढ़े। लेसन नंबर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। दोस्तों, हमेशा एक लीडर की तरह सोचे, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की क्वालिटीज होती है जैसे हमेशा शांत रहे और धीरज रखे, दूसरे के दर्द को समझे और सहानुभूति से बात करे, मुश्किल वक्त में सबका साथ दे, ना कि कहीं छुप जाए। हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचे और उसके लिए एक्शन भी ले। बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करे, कभी भी ईगो ना दिखाए और हम्बल रहे। हमेशा अकेले में पहले ही सोच ले कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करे, उनसे ना उलझे, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी उनके लिए बचा कर रखे। लेसन नंबर 14, हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ मोस्ट क्रूशियल सिचुएशन। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए लेखक इन परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कहा है। जैसे जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बड़ा सोचे। जब आपका दिमाग बोले मैं यह नहीं कर सकता तो बड़ा सोचे। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचे। जब खुद को हरा हुआ महसूस करे
तो बड़ा सोचे। जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो बड़ा सोचे। जब कोई बिजनेस आदि ठीक से ना चल रहा हो तो बड़ा सोचे। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचे। बड़ी सोच में जादू होता है, इस जादू का फायदा उठाए और जिंदगी में मनचाहे जीत हासिल कर ले। सो आई होप कि दोस्तों यह बुक समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।